और पेट देखिएगा, इसका चर्बी, इसका चर्बी दिखिएगा, जब वो किसी नाचने वाली के तरह चर्बी लगा लगा के चर्बी दिखा दिखा के, अरे भिखमंगी तू अगर सही में पाकिस्तान में भीख मांगती तो तुम्हारा कपड़ा नाच और पेट का चर्बी से पता चलता है कि तू कितना को लूटती होगी। तेरा पति कैसे बेचारा पाकिस्तान कंगाल था तो वो बेचारा दुबई और सऊदी अरब जाकर के कमा कमा के इसको भरता था, इसका पेट में चर्बी बढ़ा दिया और उसको छोड़ के चले आया, चार गो बच्चों पैदा कर दिया, इसका खूबसूरती का चर्बी का पैसों भेजता था, ये चर्बी लगा लगा के सच इसको कुछ और चाहिए था। पट्टा के तरह यहाँ एक तरफ सायरा बानू का हीरोइन देखे थे ना, सिर्फ ऐसे बीच में ऐसे करके यहाँ से गायब वहां से गायब। इसका जिम्मेवार सिर्फ सीमा हैदर है, उसने दिखाया रास्ता कि आओ, जैसे हम घुस के आए हैं, हम दुबई से, सऊदी अरब से, नेपाल से, उसके बाद भारत आ गए, महीनों दिन भारत में ऐश किए, उसके बाद नागरिकता लेने की, बच्चों के लिए पढ़ाई करने की, कि क्या था नहीं था, कि हम कैसे गुल खिला के कैसे रह पाएंगे इस सचिन के आर में, और फिर जो करना होगा करेंगे। सो देख लीजिए, हाथों हाथ मीडिया ने इसको गोद बैठा लिया, नचनिया को देख रहा है कि चर्बी लगा लगा के डांस करती है। आप देखिए, साड़ी पहनती है तो दुप साड़ी ऐसे रहता है एक तरफ, पता नहीं साड़ी पहनने का हिंदू धर्म में हो या कहीं किसी भी धर्म में, कोई साड़ी पहनता है तो उसका आंचल तरीके से रहता है, दुपट्टा सर पे जो पल्लू होते हैं वो तरीके से रहता है और ऐसे पल्लू को बांधा जाता है, साड़ी को ऐसे पहना जाता है और यहाँ इसका पल्लू बांधा जाता है। लेकिन इसके पल्लू को देखिए आप, इसका पल्लू क्या होगा, ये तो मजाक बना रही है कि औरत का पल्लू कैसे हो, इसका साड़ी ऐसे रहता है, उसको तो कोई काम नहीं है और मेरी मजबूरी है कि उस पे आके हम वक्तव्य देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसका बायकॉट करना चाहिए और आप लोग ही करिए, बिल्कुल भगाइए इसको पाकिस्तान या फिर यहाँ के जेल में इसको होना चाहिए, ना कि ये डिबेट का हिस्सा बने। क्यों भाई, क्यों बनेगी डिबेट का हिस्सा, भारत में बेटी नहीं है क्या, भारत की बहू नहीं है क्या, एक तीन पति वाली चार पति वाली आकर डिबेट करती है, शर्म आनी चाहिए। और देखिए बच्चे बेहूदी औरत हंस के किसी, वो भी देखिए हम आपको कह रहे थे ना कि बहुत बड़ा कांड होगा जी, आज से नहीं, जब से ये तीन पति वाली सीमा हैदर आई है तब से हम कह रहे हैं कि दो नंबर की औरत जब से आई है कुछ ना कुछ अपने साथ यार लेके आई है, और ये यार कौन है, आतंकवादी, आप देख लिए ना जी, घर का भेदी लंका डाहे, जो मुखबिर था वही हमारे सेना के दुश्मन बन गए। हैदर ने भी कहा कि सीमा पाकिस्तान से इंडिया अकेले नहीं आई है, उसके साथ चार पांच दस यार आए हैं, और वो यार कौन है, यार भतार कौन है, चर्बी वाली का जो पेट में, आप देखे ना साड़ी पहन के जो चर्बी पकड़ के डांस करती है तब उसको लज नहीं लगता है, वो नचनिया को, तो उस नचनिया को का चार पांच यार होगा कि नहीं होगा, वो पाकिस्तान से चार पांच यार नहीं दस यार लाई होगी हमारे सैनिक का खून करने के लिए, और जो हम लोगों ने देखा, मैंने आपसे कहा था इसलिए प्रसारित करता, ये मेरी मजबूरी है लोगों को बताना कि ये जो चार पति वाली सीमा हैदर, पहला पति भी बेवफा निकला उसके कहने के अनुसार, दूसरा पति भी बेवफा निकला, तीसरा पति अच्छा निकला, चौथा पति पांचवा पति भी होगा लेकिन वो ब्लैंक में चल रहा है, वो पाकिस्तान में ही होगा, अभी इंडिया में कितना है ये हम भी नहीं जानते, एक सचिन को जानते हैं जी। लेकिन कथा कथित जो ओरिजिनल पति जिसको कहिए वो तो हैदर ही है, गुलाम हैदर है, चूंकि उसका चार बच्चा है, बिल्कुल चार बच्चा। और रही बात, आप गौर करिए कि एक काम वाली भी काम करके खाती है, उसका पति छोड़ देता है तो भी वो अपने बच्चों को पालती है जी। और उसका जो रंग रोगन होता है वो चेहरा इतना में लाली और लिपस्टिक और पेट में चर्बी दिखा के डांस नहीं करते, प्यासिकी में जाना दुनिया भुला देंगे, तुम चाहे बच्चों जितना हम तुमको चुरा लेंगे, कितना यार चुराती है, शर्म की बात चुराएगी। और रही बात, ये तो न्याय थी, बेहूदी औरत है जी, इसको जो भी चैनल है, जैसे एक चैनल है नब क्या है,
बात शादी को एक साल भी नहीं हुए थे और पुण्य वाले थे इसे सब इसी महीने में एक साल भी नहीं और शायद दिन का बच्चा शायद मैरिज एनिवर्सरी आने वाली थी। कितना खुश होगा उस उन डीएसपी और डीएसपी की पत्नी सोच रही होगी कि मेरा एनिवर्सरी आ रहा है मेरे पति मेरे आंखों के सामने होंगे कौन कौन से सपने देख रही होगी आंखों में सपने पाला होगा जिसका जुम्मा जुम्मा 8 दिन शादी का हुआ उसके हाथों में एक नन्हा सा बच्चा 29 दिन का उस पिता जो आज उस दुनिया में नहीं है आज शहीद हो गए हैं आज शहीद होने के बाद किसी ने घात कर दिया तो समझिए पत्नी का संसार उजड़ता है। डीएसपी साहब भी सोच रहे होंगे कि कैसे हम यहाँ बच पाते काश हमें गोली नहीं लगती हम अपने बच्चों सोचिए वो पल जब उसकी बीबी ने ये वीडियो कॉल देखा होगा उस पर क्या बीत रही होगी वो कितनी बार भगवान से अल्लाह से दुआ मांग रही होगी कि हमारे पति कैसे बच जाए हमारा बच्चा देखने अभी तक मेरा बच्चा नहीं देखा है अभी तक उसने मुझे और मेरे बच्चों से वो दूर है कैसे हम उसको बचा पाए कितनी छटपटाहट होगी सोचने वाली बात है। और ये 2 नंबर की औरत आती है डिबेट में और कहती है हंस के स्माइल देखिए इसके चेहरे पे कैसे मीडिया हो जो आंखों में आंसू नहीं आते जब हमारे सैनिक के को मारे जाते हैं हमारे सैनिक शहीद होते हैं और उसमें 3 पति वाली को बैठा करके तमाशा बनाते हो नचनिया को बुलाते हो डिबेट करते हो और कहते हो कि कैसा लगा आप क्या सोचती हैं क्या कहती हैं दुख हुआ पाकिस्तान से नचनिया आ गई हमने उसको बैठा लिया और यही नचनिया मैं शुरू से बोल रही थी आपको कि आई है इसके साथ इसका पति गुलाम हैदर भी कह रहा था आप सब चिक चिक के कि इसके साथ 4 को 5 वो रहता और पेट देखिएगा इसका चर्बी दिखिएगा जब वो किसी नाचने वाली की तरह चर्बी लगा लगा के चर्बी दिखा के अरे भिखमंगी तू अगर सही में पाकिस्तान में भीख मांगती तो तुम्हारा कपड़ा नाच और पेट का चर्बी से पता चलता है कि तू कितना को लूटती होगी तो पति कैसे बेचारा पाकिस्तान कंगाल था तो वो बेचारा दुबई और सऊदी अरब जाकर के कमा के इसको भरता था इसका पेट में चर्बी बढ़ा दिया और उसको छोड़ के चले आए 4 गो बच्चों पैदा कर दिया इसका खूबसूरती का चर्बी का पैसों भेजता था ये चर्बी लगा लगा के सच इसको कुछ और चाहिए था पट्टा के तरह यहाँ एक तरफ सायरा बानू का हीरोइन देखे थे ना सिर्फ ऐसे बीच में ऐसे करके यहाँ से गायब वहां से गायब इसका जिम्मेवार सिर्फ सीमा हैदर है उसने दिखाया रास्ता कि आओ जैसे हम घुस के आए हैं हम दुबई से सऊदी अरब से नेपाल से उसके बाद भारत आ गए महीनों दिन भारत में ऐश किए उसके बाद नागरिकता लेने की बच्चों के लिए पढ़ाई करने की कि क्या था नहीं था कि हम कैसे गुल खिला के कैसे रह पाएंगे इस सचिन के आर में और फिर जो करना होगा करेंगे सो देख लीजिए हाथों हाथ मीडिया ने इसको गोद बैठा लिया नचनिया को देख रहा है कि चर्बी लगा लगा के डांस करती है आप देखिए साड़ी पहनती है तो दुप साड़ी ऐसे रहता है एक तरफ पता नहीं साड़ी पहनने का हिंदू धर्म में हो या कहीं किसी भी धर्म में कोई साड़ी पहनता है तो उसका आंचल तरीके से रहता है दुपट्टा सर पे जो पल्लू होते हैं वो तरीके से रहता है और ऐसे पल्लू को बांधा जाता है साड़ी को ऐसे पहना जाता है और यहाँ इसका पल्लू बांधा जाता है लेकिन इसके पल्लू को देखिए आप इसका पल्लू क्या होगा ये तो मजाक बना रही है कि औरत का पल्लू कैसे हो इसका साड़ी ऐसे रहता है उसको तो कोई काम नहीं है और मेरी मजबूरी है कि उस पे आके हम वक्तव्य देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसका बायकॉट करना चाहिए और आप लोग ही करिए।